हे फ्रेंड्स, मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था सैमसंग गैलेक्सी नोट 11 के फीचर्स के बारे में। मैंने अपना ओपिनियन बताया था कि इस फ़ोन में ये सभी फीचर्स आ सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने कुछ ही फीचर्स बताए थे, तो दोस्तों उस वीडियो पे आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया। तो अब मैं कुछ और फीचर्स ऐड करने वाला हूँ अपने ओपिनियन के हिसाब से कि क्या क्या फीचर्स नोट 11 में आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हनी टेक, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 11 में आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इस बार मैं आपको डिस्प्ले के बारे में बताने वाला हूँ। सैमसंग गैलेक्सी नोट 11 आपको हो सकता है कि 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिल जाए, जैसा कि अभी वन प्लस ने ट्रेंड सेट किया है 90 हर्ट्ज डिस्प्ले का। और फिर से आरओजी फ़ोन में आपको आसूस के आरओजी फ़ोन में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और तो र्यूमर्स ये भी बता रही है कि इस बार एप्पल भी 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले दे सकता है। तो शायद आपको सैमसंग नोट 11 में भी 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, ये एक अपकमिंग फीचर हो सकता है सैमसंग नोट 11 की तरफ से। और दोस्तों, मैं अगले फीचर की बात करूं तो ये भी डिस्प्ले से ही रिलेटेड है। आपको अभी फिजिकल स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है फ़ोन के नीचे में, जहाँ टाइप सी पोर्ट होता है। तो दोस्तों, मे भी हो सकता है सैमसंग इस बार डिस्प्ले के अंदर स्पीकर दे सकता है, जैसा कि वीवो में हमें एक फ़ोन में देखने को मिला था, कुछ वैसा है इस बार मे बी सैमसंग नोट 11 में किसी एक फ़ोन में आपको ये फीचर देखने को मिल जाए कि आपको स्पीकर स्क्रीन के नीचे ही देखने को मिले। दोस्तों, देखते हैं सैमसंग ये फीचर ऐड करता है या फिर ये और एक फ़ोन के लिए टाल देता है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि सैमसंग नोट 11 कर सकता है। तो दोस्तों, मैं अगर अगले फीचर की बात करूँ तो सैमसंग के एस पेन से वो आता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, सैमसंग हर बार एस पेन को अपग्रेड करता है। तो सैमसंग नोट 11 में भी इस बार एस पेन अपग्रेड हो सकता है। दोस्तों, अभी आपको कुछ जायरो टाइप का सेंसर वगैरह एस पेन में मिल जाता है, मे बी आपको उसमें और कुछ अच्छे अपडेट्स देखने को मिल जाए एस पेन में। देखते हैं दोस्तों, इस बार सैमसंग आपको क्या अपग्रेड करके देता है। और दोस्तों, एक अपडेट है, वो है रिवर्स चार्जिंग का। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि सैमसंग नोट 11 में और एस 10 में भी आपको रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन मिलता था, जैसे कि वायरलेसली आप किसी और डिवाइस को जो वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट करता है उसे आप नोट 11 या एस 10 से चार्ज कर सकते थे। तो दोस्तों, उसका स्पीड काफ़ी स्लो है, चार्जिंग स्पीड। मे बी इस बार सैमसंग चार्जिंग स्पीड उसका थोड़ा बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, यही कुछ और फीचर्स थे जो कि आपको सैमसंग नोट 11 में आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको कैसे लगे ये फीचर्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, आपको और कौन कौन सा फीचर लगता है सैमसंग नोट 11 में दे सकता है, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आपका कोई सवाल या सुझाव है, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दें। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, पता चल जाएगा मैंने टेक्निकल वीडियो अपलोड किया था। और आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।